द ऑफिशियल एंट्री टू 500 करोर क्लब। भाई सो ज़्यादा सेलिब्रेट करूँगा क्योंकि अभी 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 मेरे को लगा, सो मैं प्लान किया था मैं सुबह सेलिब्रेट करूँ, फिर सोचा कि भाई SRK का सबसे बड़ा फैन और मतलब पूरा फैंडम का सबसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला अपन लोग की फैमिली वाली चैनल, हम सब मिलकर ही सबसे पहले सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो फिर लानत है ऐसे फैंस होने पर। तो मैंने प्लान ही किया था कि जैसे ही ये, क्योंकि 11:40 का लास्ट शो होता है उसके बाद कलेक्शंस अपडेट होना चालू हो जाता है, तो कलेक्शंस लगभग अपडेट हो ही गए, तो 3.76 करोर जो कि कलेक्शन था कल का मिलाने के बाद, वो टोटल ऑल ओवर कंप्लीट होकर, इसको मैं पहले रख देता हूँ, वो टोटल ऑल ओवर कंप्लीट होने के बाद ये फिल्म अभी 500 करोड़ क्लब के अंदर एंट्री मार चुकी है। 1 महीने पहले मैंने ये बात बोली थी कि भाई 400 को टारगेट मत करो, ये फिल्म 500 की तरफ जा रही है, तो उस टाइम बहुत लोग मजाक में ले रहे थे, मेरे को तभी लगा था हो सकता है, चांसेस है, बहुत लोगों को पॉजिटिविटी में लगा ही था कि 500 के अंदर एंट्री मारेगी भाई, मारेगी, क्योंकि स्पीड वैसा जा रहा था, बहुत भाग रही थी फिल्म, ये कुछ बहुत लॉजिक के वाले बंदे जो है वो थोड़ा लॉजिक में जा रहे थे, लेकिन तब भी चांसेस तब बन रहा था कि 500 करोड़ क्लब के अंदर एंट्री मारे। तो नाउ ऑफिशियली हिंदी सिनेमा का फर्स्ट 100 करोड़ क्लब खोलने वाला बंदा आमिर खान, 200 खोलने वाला आमिर खान, 300 खोलने वाला आमिर खान, नाउ कमिंग टू 400 का रिकॉर्ड खोलने वाला शाहरुख खान, 500 का रिकॉर्ड खोलने वाला शाहरुख खान। तो भाई इवन मैं समझता हूँ कि जो 100 करोड़ का क्लब था ना वो भी शाहरुख खान के नाम पे होता, बिकॉज दो ऐसे सीनारियोस आए थे उस टाइम पे जो कि वो ऐसा सीनारियोस था वो बहुत डैमेज कर गया फिल्म को, फिल्म के एक आइकॉनिक रिकॉर्ड को डैमेज कर गया, एक था रब ने बना दी जोड़ी और दूसरा था ओम शांति ओम। ओम शांति ओम के साथ साथ कोई फिल्म रिलीज हुई थी, मेरे को करेक्टली याद नहीं आ रहा, बट जो भी फिल्म थी कोई फिल्म रिलीज हुई थी ओम शांति ओम के साथ, जो स्क्रीन इतने डिवाइड कर दिया था, वरना वो फिल्म 100 करोड़ उस जमाने में क्रॉस कर देती। द सेकेंड इज रब ने बना दी जोड़ी, 0 प्रमोशन विथ आफ्टर, क्योंकि उस टाइम पे कुछ मतलब वो अपना जो मुंबई अटैक्स हुए थे उस टाइम पे हुए थे, एंड उसके बाद वो फिल्म आई भाई, मतलब रैंडम प्लेटफॉर्म जहाँ पर भाई मतलब डैमेज हुई पड़ी है पूरी इंडस्ट्री, पूरा कंट्री, पूरा मतलब अलग ही एक मूवमेंट में था उस टाइम पे, उस टाइम पे वो फिल्म आती है और 90 करोड़ करके जाती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उस फिल्म को 10 करोड़ चाहिए थे, 10 करोड़, एक प्रॉपर रिलीज डेट होती, प्रॉपर प्रमोशंस किए जाते तो फिल्म 120 करोड़ क्रॉस कर देती, तो वो 100 करोड़ चलो ठीक है जो भी, बट ऑफिशियली शाहरुख खान इज नाउ द ओपनर ऑफ 400 करोड़ क्लब इन हिंदी बेल्ट एंड 500 करोड़ क्लब इन अ बॉलीवुड मूवी, मतलब इतिहास की ये फर्स्ट फिल्म है जिसने 400 में एंट्री ली प्लस 500 में भी ये एंट्री ली, हिंदी फिल्म की बात कर रहा हूँ। अभी तो रुको, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी कितना है, ये 4 दिन के अंदर अंदर एक और क्लब का हम लोग मिलके हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, वो होगा 1000 करोड़ क्लब, और ये फर्स्ट हिंदी फिल्म होगी जो बिना चाइना रिलीज़ के 1000 करोड़ क्रॉस करेगी, बिना चाइना के रिलीज़ के 1000 करोड़ क्रॉस करेगी, और ये सेकंड हिंदी फिल्म होगी 1000 करोड़ क्रॉस करने वाली, ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये 4th इंडियन फिल्म होगी जो 1000 करोड़ क्लब के अंदर एंट्री मारी है। तो भाई सो एज ऑफ नाउ 500 करोड़ क्लब के अंदर एंट्री मार चुकी है, अब देखते हैं लाइफ टाइम कलेक्शंस कहाँ पर जाकर रुकती है। मेरे को लग रहा है कि लाइफ टाइम कलेक्शंस अगर ये बाहुबली का रिकॉर्ड हिंदी बेल्ट के अंदर तोड़ने में सक्षम हो जाती है तो मेरे को लगता है कि लाइफ टाइम रिकॉर्ड्स इस फिल्म का 425 to 530 करोड़ में जाके रुकेगा, जो कि तोड़ना लगभग लगभग नामुमकिन है। इवन मैं समझता हूँ कि जवान को भी अगर ये रिकॉर्ड तोड़ने हैं तो जवान को भी हिंदी बेल्ट से बहुत बड़ा प्रेशर, मतलब एटलीस्ट पठान ने हिंदी बेल्ट के अंदर 500 कुछ किया होगा तो जवान को कम से कम हिंदी बेल्ट के अंदर 450 निकालने पड़ेगा, कम से कम हिंदी बेल्ट के अंदर 450 करोड़ का रिकॉर्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा अगर इसकी रिकॉर्ड को तोड़ना है तो, बिकॉज साउथ बेल्ट के अंदर जवान इसका डबल ट्रिपल ट्रिपल कर लेगी, वो तो कन्फर्म्ड है, वो साउथ बेल्ट के अंदर फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म होगी जो 70 करोड़ से लेकर 80 करोड़ क्रॉस करेगी, सिर्फ साउथ बेल्ट के अंदर से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एक प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म है वो, लेकिन हिंदी बेल्ट के अंदर कम से कम उस फिल्म को अगर 450 करोड़ अगर वो कर देती है तभी जाकर इसका रिकॉर्ड टूटेगी। तो एज ऑफ नाउ पठान इज
फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म टू एंटर 500 करोड़ क्लब ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस। भाई क्या सोच रहे थे अपन, अपन क्या, अपन कहाँ पड़े थे। 70 करोड़, 60 करोड़, 66 करोड़, JHMS 80 करोड़, जीरो। फैन की बात तो नहीं करूँगा, उसके कलेक्शंस मेरे लिए मैटर नहीं करते। मूवी मास्टरपीस है। बहुत बड़े बड़े 300 करोड़ 400 करोड़ फिल्मों से ज़्यादा उनके सामने बाप फिल्म है वो, तो फैन को तो नहीं बोलूँगा। बट 130 करोड़ कहाँ पड़े थे, 4 साल से मूवी अनाउंस नहीं। आज देखो भाई, क्लब की ओपनिंग कर रहे। कितने वीडियोस में मैंने बोला, तब ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे। ये यूट्यूबर्स जो आए ना अभी, 50,000 व्यूज़ ले रहे, ये लोग पैदा भी नहीं हुए। तो उस टाइम से बोल रहा था कि जिस दिन कमबैक होगा ना भाई, पुरानी वीडियोस उठाकर देख लेना, जिस दिन कमबैक होगा ना भाई, वो कमबैक ऐसा नहीं होगा कि 300 करोड़ कर दिया, यस हम लोग 300 करोड़ क्लब में घुस गए, हम भी 300 करोड़ क्लब में। ऐसा नहीं, वो ऐसा कमबैक होगा कि अपन 300 में नहीं, वो कूद के भाई बोल के कूद के 400 करोड़ क्लब के अंदर, 500 करोड़ क्लब के अंदर एंट्री मारेगा और पूरा पूरा मतलब इतिहास को हिला कर रख देगा। वही हुआ भाई, वही हुआ, बंदे ने वही करके दिखाया। एंड नाउ श्योर शॉट आई एम सेइंग, ये जवान और ये डंकी, ये दोनों फिल्मों में से कोई एक फिल्म ऐसी है जो वर्ल्ड वाइड के अंदर 1,500 करोड़ क्रॉस करेगा। मार्क माई वर्ड, ये दोनों में से कोई एक फिल्म होगी। वो 1,500-2,000 का रिकॉर्ड तो मेरे को किसी और फिल्म के ऊपर डाउट लग रहा है, ये दोनों में से कोई एक करने वाली है। अब पठान का वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड तो कोई ना कोई ये दोनों फिल्म में से कोई एक फिल्म तोड़ने वाला है, वो श्योर एंड श्योर शॉट है। इंडिया का मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज इंडिया को करने के लिए हिंदी बेल्ट में जवान को 450 प्लस तो करना ही पड़ेगा, कैसे भी करना पड़ेगा। लेकिन वर्ल्ड वाइड में श्योर एंड श्योर शॉट है, दोनों फिल्म में से कोई एक फिल्म इसका जो 1,000 करोड़ का रिकॉर्ड है वो तोड़कर ऊपर जाएगी। तो मिलते अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।